सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी एंड वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड 2020 का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले हैं या जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके अपलोड करते रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट? तो नाउ स्टार्ट विद द सेक्शन सेक्शन ए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन ऑफ द जीरो हमको 2 दिया हुआ है, और आपने क्लास 9 से पॉलिनोमियल में पढ़ते आ रहे हो कि अगर ये 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो हमको करना क्या है, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन प्लेस ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप एक्स इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए। तो एक पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, टू पुट एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा, इसको इक्वेट जीरो से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया था वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, और अगर ये 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो जब हम एक्स की जगह 2 रखेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट इज वाई हम इसको इक्वेट कर रहे हैं 0 से। पुट करो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस के मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस के मस्ट बी इक्वल टू 0, अगेन 6 + 4 = 10 प्लस के मस्ट बी इक्वल टू 0, सो के मस्ट बी इक्वल टू -10। तो हमारा आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेट इज बी -10। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज। अब देखो, कोई भी प्राइम नंबर होगा, अगर मुझे उसका फैक्टर निकालना है, जैसे आप मान के चलो मैं ले रहा हूँ 3, अगर मुझे 3 का फैक्टर निकालना है तो 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, आप ऐसे करोगे 3 × 1 = 3, या देखो अगर मुझे 3 को लिखना है किसी भी प्राइम नंबर को, 3 हो गया, 7 हो गया, तो मैं इसको 3 × 1 = 3 बोल सकता हूँ, 7 को मैं 7 × 1 = 7 बोल सकता हूँ। तो किसी भी प्राइम नंबर्स के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, तो हमेशा किसी भी प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर होंगे। तो आंसर इज सी विच इज 2। किसी भी प्राइम नंबर के आपको कितने फैक्टर्स मिलेंगे, हमेशा 2 फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर इज 2। थर्ड क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हूज जीरोस इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। अब देखो क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें हमको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दिया हुआ है, और हमको उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं अल्फा एंड बीटा दो जीरोस एज्यूम कर लूं, जो कि आपने सीखा होगा 10th क्लास में, तो मुझे सम ऑफ जीरोस दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है विच इज इक्वल टू -5 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -5 दिया और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 6, तो हमको इससे पॉलिनोमियल बनाना है। तो बताओ इसका इससे पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो हमको पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपने बनाना सीखी होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपने इक्वेशन सीखी होगी बनाना, कि अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिया रहता है तो हम इस टाइप से पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखते हैं, राइट? तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -5 दिया हुआ है तो यहाँ रख देते हैं -5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 6। तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला ये, तो थर्ड का आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस 4 = 0 एंड 2x + ky = 3 हैज नो सॉल्यूशन।
अब हमको के की वैल्यू बतानी है जिसमें ये दोनों लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन याद करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन में आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी दो इक्वेशंस को कंपेयर करने की, तो उसमें नो सॉल्यूशन वाला कौन सा क्राइटेरिया था अगर आपको याद होगा, तो उसमें ये क्राइटेरिया था ए बाय बी शुड बी इक्वल टू, ऐसा ऐसे लिख देता हूं मैं, ए वन बाय ए टू। पहले ना एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पहले, क्योंकि नो सॉल्यूशन का केस है दो लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं आपकी दो लीनियर इक्वेशन ले लूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या ए वन बी वन सी वन ले लेता हूँ, और दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तो आपने क्या कंडीशन पढ़ी थी है नो सॉल्यूशन की। तो अगर आपको याद होगा तो आपने ये कंडीशन पढ़ी थी कि ए वन अपॉन ए टू शुड बी इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट शुड नॉट बी इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। दिस इज अ कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। वन यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपने पढ़ा होगा ए वन अपॉन ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए आपने पढ़ा होगा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और नो सॉल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन थी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। तो हमको इसी के हेल्प से के की वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालो, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होना चाहिए। तो सबसे पहले ना यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि हमारा ए वन बी वन सी वन क्या क्या है, ठीक है। तो देखो हमारे फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन दी है टू एक्स प्लस के वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। हम देखो मैंने इस थ्री को इधर लेके आ गया क्योंकि मुझे दोनों को सेम टाइप से लिखना था, डेट इज इट, ठीक है। तो अब तुम बताओ ए वन कितना है कोफिशियंट ऑफ एक्स वन, बी वन कितना है कोफिशियंट ऑफ वाई अगेन वन, सी वन कितना है डेट इज कॉन्स्टेंट विच इज माइनस फोर। अगेन मुझे ये बताओ यहां पर ए वन कितना है टू, ठीक है, बी वन के ए टू सॉरी ए टू कितना है टू, बी टू कितना है के, और सी टू कितना है डेट इज माइनस थ्री। सो व्हाट इज आवर कंडीशन कि ए वन अपॉन ए टू मस्ट बी इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होना चाहिए एंड बी वन अपॉन बी टू शुड नॉट बी इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होना चाहिए। तो अब फर्स्ट रेशियो को इक्वेट कर दो, ए वन अपॉन ए टू मस्ट बी इक्वल टू सॉरी ए वन अपॉन ए टू मस्ट बी इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, राइट। तो बताओ ए वन कितना है हमारा वन अपॉन ए टू कितना है टू मस्ट बी इक्वल टू बी वन कितना है वन और बी टू कितना है के, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टू। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि हमारा आया के इज इक्वल टू टू। तो आंसर पहले आप देख लो ये फर्स्ट क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ मैच कर रहा है क्या। ऑफकोर्स डी आ रहा है तो के कैन बी इक्वल टू टू, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके सेकेंड रेशियो को भी इक्वेट करके देख सकते थे, मैं आपको वो भी करके बताता हूँ। यहाँ पर सेकेंड रेशियो था हमारा बी वन अपॉन बी टू शुड नॉट बी इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, राइट। तो अगर आप ऐसे करते तो यह आता आपका वन अपॉन के शुड नॉट बी इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू विच इज माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री। तो माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री बाय फोर शुड नॉट बी इक्वल टू के, तो के शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री बाय फोर आता है आपका उस केस में। तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका फर्स्ट से ही आपको मिल जाएगा कि के टू हो सकता है बट थ्री बाय फोर नहीं हो सकता। तो के इज इक्वल टू टू मैच कर रहा है, तो डेट इज ऑप्शन नंबर डी, तो इट इज अ करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली यहां तक समझ में आया होगा आप लोग को। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं अब हम। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फाइव, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 15 रिस्पेक्टिवली आर। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम इन तीनों नंबर का पूछा है। अगेन यू हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये चैप्टर नंबर वन का है, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी करते, ये हो गया 12, ये हो गया 21 और ये हो गया आपका 15, ठीक है। तो जल्दी से करो, 2 6 12 टू थ्री जा सिक्स, अगेन 3 1 जा 3, अगेन 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हम क्या करेंगे, फटाफट फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
नाउ 12 के आप फैक्टर्स लिख लो, 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। 21 के कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 7, और 15 के क्या क्या फैक्टर्स निकले हमारे, 3 इंटू 5, ठीक है, तो 3 इंटू 5। अब ये सारे फैक्टर्स हो गए, अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोला है। कैसे निकालते हैं तो मैं अभी आपको बता देता हूं, अगर नहीं भी मालूम होगा तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो अगर आपके ये तीनों नंबर्स हैं तो आपको करना क्या है, इन तीनों नंबर्स में कौन कौन से कॉमन फैक्टर है पहले आप वो लिख लो। तो बताओ इनमें तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है, राइट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। और इन तीनों में कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर कितनी है, तीनों की लोएस्ट पावर कितनी है, तो अगर मैं आप चेक करोगे तो तीनों की लोएस्ट पावर 1 है, यानी तीनों में से सबसे लोएस्ट पावर कितनी है, वैसे इसमें तो तीनों की ही 1 है, तो हम एक्सपोनेंट में लोएस्ट पावर लिखते हैं, तो 3 की पावर 1, यानी एचसीएफ आ गया आपका कितना, 3, राइट। अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है, खैर ये देखो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को बेटा टॉपिक आता होगा, तो मैं यहाँ टॉपिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये पेपर सॉल्विंग है, तो होपफुली आप लोग ने ये सब पढ़ चुका होगा। तो बताओ एलसीएम एम, अच्छा नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे तो मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ एलसीएम अगर आपको निकालना है तो एलसीएम हम कैसे लिखते हैं, आप पहले सारे प्राइम नंबर्स लिख लो, जितने भी आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं आप सारे के सारे प्राइम नंबर लिख लो। जैसे दिख रहा है यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये मुझे सारे प्राइम नंबर दिख रहे थे, मैंने सारे लिख दिया। अब हमको करना क्या है, हर एक की हाइएस्ट पावर करनी है। अब वैसे तो यहाँ पर हर एक की पावर, अच्छा देखो यहाँ पर ये क्या है, 2 इंटू 2 को मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता था, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये है 3 इंटू 7, और ये क्या है आपका 3 इंटू 5। अब देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ सारे प्राइम नंबर्स लिख दिए, अब हर एक की हाईएस्ट पावर लिखना है। जैसे एचसीएफ में कॉमन फैक्टर जो भी था कॉमन प्राइम नंबर, उसकी लोएस्ट पावर लिखी, तो एलसीएम में क्या करना है, हाईएस्ट पावर लिखना है। तो अब बताओ 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या दिख रही है, 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर सब में 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 इंटू 5 7 जा 35, ठीक है, तो ये निकाल लो जल्दी से आप कितना आ जाएगा, 35 इंटू 12 10 0 1 7, तो ये आ रहा है मेरा 420, ठीक है। तो मेरा फाइनली एलसीएम आ गया कितना, 420। अब चेक कर लो आप अपना आंसर कहां पर है, हमारा एचसीएफ आया है 12 और एलसीएम आया है, सॉरी एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम आया है 420, तो 3, 420, सो दिस मस्ट बी द आंसर, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बस ध्यान ये रखना, अभी मैं आपको समझाते चल रहा हूँ तो बेटा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको 1 मार्क क्वेश्चन है, कोशिश करना है कि मिनिमम 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप कितनी थॉरोली प्रैक्टिस होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x x + 10 एंड 3x + 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। हमको एक्स निकालना है अगर ये तीनों टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एपी के, तो आपको मालूम होगी कोई भी सीरीज को हम एपी तब बोलते हैं जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, राइट। तो ये कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे है, तुरंत बन जाना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दिस माइनस, अगर ये तीनों नंबर एपी के हैं तो दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, दिस माइनस दिस, राइट, यानी कि एक्स प्लस टेन माइनस टू एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3x + 2 माइनस एक्स प्लस टेन। तो बताओ क्या आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टेन माइनस टू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 3x + 2, अच्छा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये माइनस एक्स माइनस टेन, ठीक है। अगेन सॉल्व करो इसको तो ये क्या बचेगा, एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स प्लस टेन शुड बी इक्वल टू 3x - x इज 2x, 2 - 10 इज -8, राइट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स को इधर लाओ, माइनस टेन एट को इधर लाओ, तो 10 + 8 मस्ट बी इक्वल टू 2x + x,
तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 हो गया 18 मस्ट बी इक्वल टू 3x, सो योर x मस्ट बी इक्वल टू 18 बाय 3 व्हिच इज 3 6 जा 18 दैट इज x इज इक्वल टू 6, तो हमारा x आ गया 6, तो आंसर इज a। ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, कोई भी वीडियो में अगर कोई क्वेश्चंस में आपको पर्टिकुलरली कंफ्यूजन जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस से बैक करके एक बार उसको फिर से सुन लीजिए, और अदरवाइज आई एम सजेस्टिंग यू कि वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करके देखो, बिफोर मेरा एक्सप्लेनेशन आने से पहले आप आगे के क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करके देखो। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, then its a 10th term is, अब देखो first term of an AP is P, यानि कि A आपको दे दिया है P, and the common difference is Q, और common difference D जो दिया है वो दिया हुआ है Q, then its 10th term is, तो बहुत ही simple question है, आपको 10th term निकालना है, यानि A10 निकालना है, तो A10 क्या हो जाता है, A plus 10 minus 1 times of D, क्योंकि AN का formula है A plus N minus 1 times of D, तो A10 ही हो गया, तो बताओ क्या हो जाएगा, A plus 9D, यानी कि P plus 9Q, simple, A आपका P है, D आपका Q है, तो P plus 9Q, तो P plus 9Q कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो this must be the answer, simple question, right? तो 1 mark के लिए आपको ऐसे ही questions मिलेंगे, ज़्यादा tough questions बिल्कुल नहीं मिलते, ठीक है, ताकि वो 1 या 2 minutes maximum 2 minutes में बन जाना चाहिए वो सारे questions आपके। Now, अच्छा एक और बेटा मेरे तरफ से आपको hint रहेगी, कभी किसी questions में अटक जाओ ना तो उसको तुरंत छोड़ देना, क्योंकि exam में time waste हमको नहीं करना है, भले आप उसको last में time बचेगा तो जरूर attempt करो, otherwise नहीं बन रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, ना question number 8 देखो, the distance between the point a cos theta plus b sin theta comma 0 and 0 a sin theta minus b cos theta is, हमको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। Now this is a very good question, ठीक है, ना पहले ना मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मुझे दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए, एक दिया a cos theta plus b sin theta कॉमा जीरो, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड दिया हुआ है जीरो कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, इन दोनों का अगर कोऑर्डिनेट है तो इन कोऑर्डिनेट्स के बीच का हमको डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो चलो लगाएंगे। सबसे पहले ये बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होपफुल ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर x2 x1 y2 y1 क्या है ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज माई x1 y1 एंड दिस इज माई x2 y2, तो जस्ट पुट डाउन इन द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है आपका बेटा 0, माइनस x1 क्या है, ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि माइनस है, x1 है मेरा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, अगेन इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, प्लस y2 माइनस y1, अच्छा y2 क्या है मेरा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है, y2 माइनस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ s इज इक्वल टू, अच्छा कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस देख के डरना नहीं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इजी हैं, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अच्छा बताओ ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन को अंडर डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये हो जाएगा माइनस a cos थीटा। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जीरो माइनस एनीथिंग इज, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा, क्योंकि इजी हो जाएगा का होल स्क्वायर,
लिख सकते हैं। अब तुम बताओ माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो मुझे माइनस साइन से कोई मतलब भी नहीं, राइट? क्योंकि माइनस का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो मैं ना उसको यहीं पर कर दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बस मैंने ये बताया था। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? अगेन प्लस एनीथिंग माइनस जीरो इज सेम, ये का यही रहेगा। तो फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट? नाउ पुट करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आएगा। अगर मैं इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट? अगेन सेम यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट? यही आएगा। अगेन कैंसिल कर लो, देखो ये प्लस टू ए बी और ये माइनस टू ए बी, ये पूरा का पूरा हम कैंसिल कर देते हैं, राइट? अब बताओ यहां से हमको कुछ कुछ चीजें आपको बहुत ही जल्दी समझ में आने लगेंगी। अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर वाले को साथ में रख दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप सोच रहे होगे, सर अभी आपने बोला था कि वन मार्क क्वेश्चन को वन मिनट में सॉल्व करना है, तो ये इतना टाइम ले रहा है। बेटा देखो हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम में कभी भी आप स्टार्टिंग करते हो तो हमेशा सेक्शन डी से चालू करना। पहले आप डी बनाओ, फिर आप सी बनाना, फिर आप बी बनाना, फाइनली ए बनाना। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर 100% हर बार ऐसा करते हैं कि सेक्शन ए में कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक ऐसा दे देंगे वो कि उसमें आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, और जब बहुत सारा टाइम हमारा वहां कंज्यूम हो जाता है ना, तो 100% हमारा सेक्शन सी या डी में से एक क्वेश्चन छूट जाता है, और ये मोस्ट ऑफ द हर एक स्टूडेंट्स के साथ होता है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, भले आपको सेक्शन ए इजी लग रहा हो स्टार्टिंग के क्वेश्चन, हमेशा आप अपनी अप्रोच सेक्शन डी से ही रखना, क्योंकि डी का एक क्वेश्चन छूटेगा ना बेटा चार मार्क्स चले जाएंगे, और ए का अगर एक दो क्वेश्चन भी छूटता है तो टू ही मार्क्स कटेगा आपका, ठीक है? तो हमेशा डी से स्टार्ट करना। नाउ चलो देखो, मैंने बोला आपको ए स्क्वायर वाले टर्म को मैंने साथ में ला लिया, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को साथ में लिख दिया, प्लस अगेन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पर साथ में लिख दिया, राइट? चलो अब एक काम करते हैं, यहां से अब आपको समझ में आ रहा होगा, ए स्क्वायर मैं कॉमन लेने वाला हूँ, ठीक है? तो ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यही बना देता हूं मैं। चलो एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ ऊपर के स्टेप को। चलो तो एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैं एक काम करता हूँ ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो बताओ वहां क्या बचेगा? यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? जो कि वन होता है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। प्लस यहां से भी बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां पर भी वही बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? नाउ अब ए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो एस क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारा एस कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली ये सॉल्व हुआ है, यानी अब इसका डिस्टेंस आया है, ठीक है? तो फिलहाल देखते हैं अपन अपने ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन हमारा आया था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक? तो क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है? होता क्या है ना, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन एक बार आपको बता दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। अगर आपने आरडी शर्मा वगैरह बनाया होगा तो अगर उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिए आपने सॉल्व किया होगा ना, तो आप इसका ऑप्शन डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई आपका सॉल्यूशन चेक नहीं कर रहा है, ठीक है? अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद है तो आप डायरेक्ट आंसर सी टिक कर सकते हो, ठीक है? तो ये प्लस पॉइंट रहेगा लेकिन उनके लिए जिन्होंने प्रैक्टिस की है, राइट? क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के लिए, नाइन्थ में आ जाओ। अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन देखो, इफ द पॉइंट पी के कॉमा जीरो
divides the line segment joining the points A 2 comma minus 2 and B minus 7 comma 4 in the ratio 1 is to 2, then find the value of K. Again, this is a midpoint theorem बोलता हूँ, sorry. Coordinate geometry का section formula से ये question है, ठीक है? अब ये भी थोड़ा सा lengthy पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे, तो जल्दी भी हो जाएगा. चलो अपन full speed से बनाते हैं. ये हमको A point दिया हुआ है, which is 2 comma minus 2. और ये हमको B point दिया हुआ है, which is minus 7 comma 4. अगर आप लोग को याद होगा section formula, तो हम यहाँ कहीं पर भी एक arbitrary point ले लेते हैं C. और ये रेशियो में डिवाइड हुआ है 1:2, तो और ये सी का कोऑर्डिनेट दिया, इफ पी इज द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन, ठीक है, पी इज द पॉइंट बोला था, तो मैं पी दे देता हूं. ये पॉइंट दिया है के कॉमा जीरो, तो हम इसको सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को मालूम होगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी दैट इज के कॉमा जीरो मस्ट बी इक्वल टू, बताओ क्या होगा. सबसे पहले मैं यहां पर नेमिंग दे देता हूं. ये मेरा है एक्स वन वाई वन, ये मेरा है x2 y2, ठीक है. तो आपका सबसे पहले क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा m1 m2, ऐसा करके आपने पढ़ा होगा रेशियो का, जैसा भी पढ़ा होगा. मैं आपको फिलहाल यहां पर डायरेक्ट बता रहा हूं क्या हो जाएगा. सबसे पहले ये फर्स्ट रेशियो 1 into x2 करेंगे, तो लिखेंगे 1 into -7 प्लस 2 into x1 1 into x2 प्लस 2 into x1 यानी कि 2 into 2 का होल अपॉन m1 प्लस n2 यानी 1 plus 2, अगेन कॉमा, अगेन सेम 1 into y2, तो 1 into 4 प्लस 2 into -2. तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर इसमें एक्सरसाइज बनाई होगी इसकी, होपफुली आप लोग को याद होगा. तो p k कॉमा जीरो मस्ट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ. 1 into minus 7 is minus 7 plus 4 by 3, comma, again 4, 2 2's of minus 4, minus 4 by 3. तो ये तो 0 हो गया. तो P, K, comma 0 should be equal to, तो minus 7 plus 4, कितना हो जाएगा? Minus 3 by 3, comma 0. तो 3, 1's are 3, तो ये आ रहा है आपका P, k comma 0 must be equal to minus 1 comma 0. तो अब अगर आप दोनों साइड को कंपेयर करोगे by comparing both the side, तो हमारा k आ जाएगा, k should be equal to minus 1. तो ये हमारा आंसर हो गया, that k should be equal to minus 1. चलो ऑप्शन में ढूंढते हैं. तो हमारा आया था k minus 1, so यहाँ था, so this d must be your answer, k is equal to minus 1. ठीक है, so hopefully यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा. 10th क्वेश्चन और देख लेते हैं. ये वीडियो मैं पूरी कंप्लीट पेपर की नहीं बना रहा हूं, इट इज अ शॉर्ट वीडियो. पहले हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सेकंड पार्ट में हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ऐसे में अगर कंटिन्यू बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा. तो हम पहले 10th क्वेश्चन तक कर रहे हैं आज, ठीक है, फिर हम कल 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. चलो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द वैल्यू ऑफ, so question number 10, the value of p for which the point a 3,1, b 5,p and c 7,-5 are collinear is, अच्छा देखो, अब हमको तीन पॉइंट दिया हुआ है a b and c और वो दिया हुआ है कि आर कोलिनियर, ठीक है, तो हमको p की वैल्यू निकालनी है. तो ये सेम एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, वहां पर k की वैल्यू निकालने बोला था इन प्लेस ऑफ p. तो सिंपल है, आपको अगर ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर दिया है, इसका मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, जीरो, राइट. अगर ये कोलिनियर है, कोलिनियर क्या होता है, तीन पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं उसको हम कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है. तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसके एरिया जीरो होगा. तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा एरिया के फॉर्मूले से. तो मैं पहले तीनों पॉइंट्स लिख देता हूं, 3,1, बी दिया हुआ है हमको 5,p और सी पॉइंट दिया हुआ है 7,-5. तो हमको क्या करना है, जस्ट एरिया को इक्वेट करना है जीरो से. तो अब तुम बताओ एरिया को इक्वेट, पहले तो एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज हाफ इनटू, अगेन सबसे पहले इसका फॉर्मूले का शॉर्टकट मैं बता देता हूं. आप पहले लिख लेना x y माइनस y, अगेन प्लस x y माइनस y, अगेन प्लस x y माइनस y, ऐसा लिख लेना ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद जस्ट उसके कोफिशिएंट डाल दो. सबसे पहले ये x1 x2 x3 लिख देना, और यहां 2 से स्टार्ट करना, 2 3
और 1 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, ऐसा ठीक है, 2 3 3 1 1 2, जस्ट पुट कर दो। ये है आपका x1 y1 x2 y2 और ये है x3 y3, तो जस्ट पुट करते चलो चलो क्या हो जाएगा एरिया। अच्छा एरिया को हमको जीरो लेके चलना है, ठीक है, तो मैं एरिया की जगह जीरो रख देता हूँ, इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ x1 विच इज 3 टाइम्स ऑफ y2 विच इज p माइनस y3, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस अगेन x2 विच इज 5 टाइम्स ऑफ y3 विच इज माइनस 5 माइनस y1 विच इज माइनस 1, ठीक है, प्लस x3 विच इज 7 y1 विच इज 1 माइनस y2 विच इज p, राइट। चलो फटाफट ये 2 को इधर भेज के जीरो करते, काम खत्म। तो अब ये हो गया आपका, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 3p प्लस 3 5 इज 15 अगेन प्लस माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 5 6 इज 30, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 30, ठीक है, अगेन प्लस 7 1 इज 7 माइनस 7p। सॉल्व करो, जीरो मस्ट बी इक्वल टू, अगेन देखो 3p माइनस 7p बिकम्स माइनस 4p, ठीक है, 15 माइनस 30 बिकम्स माइनस 15 और माइनस 15 प्लस 7, तो माइनस 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8, राइट, माइनस 8, तो ये हो गया माइनस 8, ठीक है, तो माइनस 8 को उधर भेजो, 8 इज इक्वल टू माइनस 4p, देन p शुड बी इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 4, तो 4 2 जा 8, तो मेरा p आ रहा है फाइनली माइनस 2, तो आपका p आ जाएगा माइनस 2। तो इस टाइप से आप निकालोगे, ये चीज आपने की है, जब भी कोलिनियर रहता है एरिया जीरो कर देते हैं, तो हमारा p आ जाएगा माइनस 2, ठीक है, तो ये हमारा p आ गया माइनस 2 फर्स्ट वन, ठीक है। तो अब देखो हमने अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन किया है, इसके आगे आपका वीडियो का पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आगे के क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है, ये पार्ट 1 में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, थैंक यू क्लास।